हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बोरा। सो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। दोनों रात साथ में ही सो गया था। अगले दिन सुबह हुई खुशियान पहले अपने आंखें खोला और लेंजन को अपने पास सोते हुए देखा। ह्यूसन कहता है, लेंजन तुम बहुत क्यूट हो। ऐसे कहने के बाद हुई खुशियान ने अपनी टाई ली और लेंजन के हाथों को हेडबोर्ड पर बांध दिया। हुई खुशियान लेंजन के ऊपर सर गया और लेंजन की टांगों पर बैठ गया और लेंजन को गुदगुदी करने लगा। लेंजन ने हंसते हुए कहा, आह हुई खुशियान क्या कर रहे हो। लेकिन हुई खुशियान ने लेंजन को गुदगुदी करना बंद नहीं किया। लेंजन ने जोर से हंसते हुए कहा, हुई खुशियान सुनो मुझे। तभी हुई खुशियान ने लेंजन को गुदगुदी करना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। लेंजन ने ह्यूसन से पूछता है, हुई खुशियान क्या यह किसी को जगाने का तरीका है। ह्यूसन पूछता है, लेंजन क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया। लेंजन ने कहा, नहीं आप मेरे साथ ऐसा खेल मत खेलो। अभी हुई खुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको एक और काम है जो मैं करना चाहता हूँ। लेंजन ने हैरान चेहरे से पूछा, क्या तुम और क्या करने वाले हो। हुई खुशियान लेंजन के पैरों के नीचे गया और उसके पेन पकड़ लिया और उसे खोलने के लिए नीचे खींचा। तभी लेंजन ने डरा हुआ चेहरे से कहता है, नहीं नहीं हुई खुशियान ऐसा मत करना। ऐसे कहकर वो अपने बंधे हुए हाथ को खोलने की कोशिश की। हुई खुशियान कहता है, मैं जरूर करूंगा। ऐसे कहते हुए हुई खुशियान मुस्कुराया और उसके पेन खोल दिया और उसे देखा। हुई खुशियान ने लेंजन को ऐसे देखते हुए लेंजन बहुत शर्मा गया और वो चिल्लाया कि हुई खुशियान क्या कर रहे हो, इससे आगे कुछ मत करना। ऐसे कहकर चिल्लाया और अपने बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश की और खोलने में सफल भी रहा। अपने हाथों को खोलने के बाद लेंजन ने हुई खुशियान को लात मारी और कंबल को अपने ऊपर खींच लिया। हुई खुशियान लेंजन के हालत देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। हुई खुशियान हंसते हुए कहता है, लेंजन आखिरकार मैंने इसे देखा। लेंजन ने गुस्से से चिल्लाया, चुप हो जाओ, इससे आगे कुछ मत कहना। सुबह सुबह तुम मेरा मूड खराब कर दिया, अब चलो यहाँ से जाओ। ऐसे कहकर लेंजन ने हुई खुशियान को दूर ढकेल दिया और हुई खुशियान हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद लेंजन नहाने के लिए चला गया और मन ही मन उस पल के बारे में सोच रहा था जब हुई खुशियान ने उसका पेन खुला था और शर्माते हुए खुद से ही कहता है, लेंजन तुम्हारे साथ आज क्या हो गया। कुछ देर बाद लेंजन बाथरूम से बाहर आया और उसने हुई खुशियान को टेबल पर नाश्ता की व्यवस्था करते हुए देखा। हुई खुशियान ने लेंजन को देखा और मुस्कुराया। लेंजन ने अपना सिर घुमाया और सुबह की घटना को याद करते हुए शर्मा गया। तभी हुई खुशियान ने चंचलता से कहा, आओ डियर लेंजन सब कुछ तैयार है। उसके बातों से ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सुहागरात के लिए अपने पत्नी को बेड पर बुला रहे हैं। लेंजन अपने मुंह के अंदर ही उसके बारे में लेकर बुदबुदाने लगा। तभी हुई खुशियान लेंजन से कहता है, लेंजन जल्दी करो, क्या तुम लेक्चर के बारे में भूल गई हो। तभी लेंजन ने कहा, ओ मैं तो भूल ही गया था, मुझे लेक्चर में आज भाग लेना ही है। ऐसे कहकर वो जल्दी से नाश्ता करने के लिए बैठ गया। नाश्ता करने के बाद उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाने ही वाला था तभी हुई खुशियान ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, लेंजन मुझे तुम्हें कुछ कहना है, सच में कुछ जरूरी बात है। लेंजन ने पूछा, क्या बात है। तभी हुई खुशियान धीरे धीरे लेंजन के कान के करीब गया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। तभी लेंजन को थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा था कि वो सच में बहुत सीरियस बात करने वाले है। लेंजन ने चिल्लाते हुए कहा, हुई खुशियान बहुत हो गया, अब तुम बाहर चले जाओ। तभी हुई खुशियान लेंजन के ओर देखते हुए हंसने लगा लेकिन लेंजन ने उसे इग्नोर करते हुए अपने क्लास के लिए चला गया। लेंजन अपनी क्लास में पहुंचा और वहाँ फेंसिंग को देखा। लेंजन अपनी क्लास में पहुंचा और वहाँ फेंसिंग को देखा। फेंसिंग कहता है, ओह लेंजन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो चलते हैं। लेंजन ने पूछा, लेकिन कहाँ। तभी फेंसिंग लेंजन से कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि सभी स्टूडेंट्स को लेक्चर्स के लिए दूसरे क्लास में जाना होगा। लेंजन ने कहा, तो ठीक है चलो चलते हैं। ऐसे कहने के बाद दोनों वो दूसरे क्लास में चला गया। कुछ देर बाद वो क्लास पहुंचे तो देखा
देखा कि कमरा स्टूडेंट से भरा हुआ था। तभी लैन जॉन फेंसिंग से कहता है, अरे फेंसिंग, हमारे क्लास में इतना स्टूडेंट्स नहीं थे, तो अभी कहाँ से आ गया। तभी फेंसिंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं लैन जॉन, ये सभी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। लैन जॉन ने कहा, ओ तो ऐसा है। फेंसिंग टेंशन से कहता है, चलो हमारे लिए सीट ढूंढते हैं। ऐसे कहकर वो सीट ढूंढने लगा। ऐसे ही वो लोग इस भीड़ में सीट ढूंढ रहे थे, तभी किसी ने लेंजन को सीट के अंदर खींच लिया। फेंसिंग कहता है, लेंजन यहाँ आओ, यहाँ दो सीट खाली है। ऐसे कहकर वो पीछे मुड़ा, लेकिन लेंजन वहाँ नहीं था। फेंसिंग सोचता है, लगता है उसे एक और सीट मिल गई। ऐसे सोचते हुए वो अपने सीट पर बैठ गया। इस बीच लेंजन वे हुशियान और जुआन के बीच बैठा था, क्योंकि वहाँ पर थर्ड ईयर का स्टूडेंट्स को भी इन्वाइट किया गया था और वे हुशियान थर्ड ईयर का ही स्टूडेंट्स है। लेंजन ने उइसन से पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों खींच लिया। उइसन ने कहा, क्योंकि मैंने पहले से ही यह सीट तुम्हारे लिए रखी हुई थी। तभी लेंजन उइसन से कहता है, लेकिन वे हुशियान मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता हूँ। तुम खुद सोचो, तुम थर्ड ईयर का स्टूडेंट्स हो और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ। विशन कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वैसे भी यहाँ पर इतना भीड़ है, कौन किसको देखेगा, कहाँ बैठ रहा है। और हम बहुत लास्ट सीट में हैं, और टीचर इतने दूर तक क्या तुम्हें ही देखेगा कि तुम कहाँ बैठ रहे हो। तभी युवा लेंजन से कहता है, हाँ लेंजन, हम यहाँ तुम्हारे लिए ही यह सीट रखा था। वे हुशियान जुआन से कहता है, चुप रहो, मैं लेंजन से बात कर रहा हूँ ना। वे हुशियान ऐसे कहते हुए खड़ा हो गया और अपना पैर उठाया और उसे लेंजन के दूसरी तरफ रख दिया और उसे अपनी गोद में लेकर लेंजन के पीछे बैठ गया। लेंजन ने हैरान चेहरे के साथ कहा, वे हुशियान तुम क्या कर रहे हो, हम क्लास में है, यह बात मत भूलना। लेकिन वे हुशियान ने अपना हाथ लेंजन की कमर पर लपेट लिया। लेंजन ने शर्माते हुए कहा, वे हुशियान कोई भी हमें ऐसे देख लेगा। वे हुशियान कहता है, लेंजन मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर कोई किसी को ध्यान नहीं देगा। इसके अलावा प्रोटेक्ट करने के लिए जुआन और जियांग हैं। जैसे ही उन्होंने क्लास में अन्य स्टूडेंट्स के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो उन दोनों ने उसके ओर देखा और देखा कि एक व्यक्ति काले सूट में क्लास के अंदर आ रहा है। वो व्यक्ति एक यंग लड़का है जो देखने में बहुत सुंदर है। सभी गर्ल्स उस आदमी के सुंदरता को देख कर फिदा हो गया और कोई लड़का भी उसके सुंदरता को देख कर शक गया। एक लड़का ने कहा, क्या सच में यही है जो हमें अब लेक्चर देगा। दूसरे लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन आएगा, लेकिन ये तो बहुत सुंदर है। वो बॉय अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं किम सियोक हूँ। सो गाइस, मैं इस यंग बॉय को शॉर्ट से किम कहूंगा। किम सबसे कहता है, मैं ऐसे कंपनी का मालिक हूँ और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने लेक्चर के लिए आया हूँ। ठीक है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। ऐसे ही प्रोफेसर किम ने अपना बात शुरू किया, जबकि वे हुशियान को यह सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। वो सिर्फ लेंजन के साथ खेलने में बिजी था। वे हुशियान ने लेंजन को अपने करीब खींच लिया और लेंजन के हाथ कस कर पकड़ लिया। लेंजन ने फुसफुसाते हुए कहा, वे हुशियान क्या कर रहे हो। हुशियान ने कहा, लेंजन मैं थक गया हूँ। वे हुशियान ने लेंजन से फुसफुसाते हुए कहा, लेंजन तुम बहुत क्यूट हो। वे हुशियान ने लेंजन के सर के अंदर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे उसका हाथ नीचे तक जा रहे थे। लेंजन ने धीरे आवाज से कहा, आह नहीं, ऐसा मत करो। लेंजन के खामोश कराहों को सुनकर वे हुशियान मुस्कुराया और उसने लेंजन के साथ के अंदर ही अपना हाथ को रहने दिया। लेंजन ने वे हुशियान का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे हुशियान बहुत जिद्दी था। उतने में ही प्रोफेसर किम ने कहा, क्या तुम लोगों को कुछ समझ में आया है। सभी स्टूडेंट्स कहने लगा, हाँ सर, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। टीचर ने कहा, लगता है तुम लोग मेरे क्लास को बहुत एंजॉय कर रहे हो। अच्छा है। ऐसे बात करते हुए उसके नजर अचानक वे हुशियान और लेंजन के ओर गया। वे हुशियान ने प्रोफेसर किम के ओर देखा और प्रोफेसर ने वे हुशियान को देखकर मुस्कुराया। प्रोफेसर किम ने सभी को कहा, ठीक है, आगे की क्लास
क्लास स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद हुसैन ने अपनी हरकतों को वहीं पर ही बंद कर दिया और लेंसन की पीठ पर झुक गया। लेक्चर समाप्त होने के बाद हुसैन अपने सीट से उठ गया और लेंसन से पूछता है, लेंसन क्या तुम्हें आज का लेक्चर अच्छा लगा? लेंसन ने हुसैन की ओर देखा और उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। वही हुसैन ने लेंसन को पीछे से आवाज लगाया कि लेंसन मेरे लिए रुको। तभी प्रोफेसर किम लेंसन से पूछता है, हाय डियर तुम्हारा नाम क्या है? लेंसन ने कहा, हेलो सर मैं लेंसन हूँ। प्रोफेसर किम ने कहा, लेंसन तुम्हें मिलकर अच्छा लगा, आशा है तुम्हें मेरा क्लास पसंद आया। लेंसन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सर मुझे आपके क्लास पसंद आया। लेकिन लेंसन ने क्लास में क्या हो रहा था उसे कुछ भी मालूम नहीं थे क्योंकि उसने हुसैन की वजह से एक वर्ड भी नहीं सुना था। तभी प्रोफेसर किम लेंसन से कहता है, ओह यह अच्छा है, सभी स्टूडेंट के बीच मुझे तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा, तुम सबसे सुंदर और प्यारा हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे कुछ बात कर लूं। तभी लेंसन मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सर मुझे आपसे क्या बात करनी चाहिए? वही हुसैन मन ही मन सोच रहा था, अरे ये आदमी लेंसन के साथ इस तरह से बात क्यों कर रहा है? तभी प्रोफेसर किम लेंसन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक दिन कॉफी पीने के लिए आओगे? मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई के बारे में बात करूंगा। ऐसे कहकर वो अपना हाथ लेंसन के कंधे पर रख दिया। तभी लेंसन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी वही हुसैन प्रोफेसर से कहता है, सर क्या मैं अपने दोस्त को ले जा सकता हूँ यदि आपके बात हो गई है तो, क्योंकि हमें देर हो रही है? प्रोफेसर ने कहा, हाँ जरूर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही क्लास में लेंसन के साथ बैठ रहे थे। हुसैन कहता है, हाँ सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन हमें अब जाना चाहिए। ऐसे कहकर भी हुसैन ने लेंसन के हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर गया। तभी प्रोफेसर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, वो इंटरेस्टिंग है। सो गाइस आज का पार्ट में यहीं पर ही खत्म कर देती हूँ। आप लोग जरूर बताइए आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।